जय श्री राम दोस्तों, एक नए दिन और एक और नए ब्लॉग में भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग हो रहा है भाई इस हमारे छोटू से कमरे की, और सामान वगैरह पैक कर लिया है जो मैंने भाई कूड़ा वगैरह फैलाया था वो भी मैंने रख लिया है, और बैग अपना पैक कर लिया है, इनका चाबी का बॉक्स लेंगे उसमें चाबी रखेंगे। ये भाई कुछ चीज़ें थी जो मेरी बच गई थी, अब वो मैं डालूँगा इसको बैग में, तो वहाँ से चलते हैं। ओवरऑल से भाई ठीक ठीक रहा, क्योंकि गर्मी बहुत थी और पंखा या कूलर या एसी कुछ भी नहीं था तो हमारे साथ में बस ये ठीक है। तो हम यहाँ से निकलते हैं भाई, अब नीचे भाई कैब ड्राइवर आएगा और मेरी है भाई स्विट्जरलैंड के लिए ट्रेन से जा रहा हूँ, फ्लाइट से नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से करते हैं भैया, बाय बाय। मीनवाइल सो गाइस पहुंच गया हूं भाई स्टेशन पे, और बहुत साफ़ सुथरा स्टेशन है यहाँ पे। सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको वैसे ही मिल जाएगी, पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, बट ये है कि खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। बाकी अब भाई देखते हैं ट्रेन कैसी है हमारी, ट्रेन है हमारी ज्यूरिच के लिए, बट बेजल मेरे को उतरना है। सो गाइस ये है मेरी आज की ट्रेन, ये भाई यहाँ पे दो ट्रेन अटैच हैं, जो पीछे वाली है वो है हमारी। तो ये ऐसे कुछ आपको ट्रेन मिलती है, यहाँ सामान वगैरह रखने का मिल जाता है, ये आप गेट खोलते हैं और ऐसे आपकी सीट्स हैं। 2000 years later। सो भाई इस ट्रेन में आया था मैं बसेल तक, ये भी ऊपर नीचे बैठने का है इसमें भी पूरा, और सो गया था भाई मैं, और मेरे साथ पूरा भाई आई गेस चाइनीज ग्रुप था तो शूट वूट करना ठीक नहीं समझा यार, कंफर्टेबल नहीं होते हैं यहाँ पे लोग ज़्यादा। सो भाई भाई प्लेटफॉर्म पे, नीचे से तो भाई इनके भी प्लेटफॉर्म ऐसे ही लगते हैं, बट ऊपर है कि बहुत लाइवली से होते हैं, उधर कोई मार्ट वार्ट भी है इनका। तो अभी ये वेटिंग लाउंज है प्रॉपर, यहाँ भी वेट कर सकते हैं या फिर मैं ऊपर भी जा सकता हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरे अभी यहाँ से ट्रेन में है 1 घंटा, तो ऊपर ही चलता हूँ। हाँ ये कर लो पहले। पेरिस से आया हूँ मैं बेजल, और बेजल से है मेरी टिकट इंटरलेकिन के लिए। बेजल से इंटरलेकिन के लिए निकल गए, और इंटरलेकिन में स्टे है आज, तो वहाँ जाके आसपास एक्सप्लोर करते हैं, इंटरलेकिन में देखते हैं क्या कुछ है करने का। और भाई इन वाली ट्रेन में जो वो बेजल से इंटरलेकिन के लिए है उसमें आपका कोई सीट नंबर नहीं है, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई स्टेशन में तो लिया था यो ये ब्रेड काग आगे दे रहा हूँ मैंने, सुबह जल्दी निकला क्योंकि स्थान ही खाने का, तो ये होगा। और भाई चीज़ भी बहुत महंगी महंगी है, ये भी आपके लगभग लगभग 300-400 रुपया। सो गाइस फाइनली पहुंच गया हूं मैं इंटरलेकिन वेस्ट, और अब भाई यहां से जो मेरा होटल है वो वॉकिंग डिस्टेंस ही है, और मेरे को वॉक ही करना पड़ेगा, उसका रीज़न ये है यहां पे ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, और होता है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो 20-25 मिनट का मेरा वॉक है बाई फुट, तो इतना टाइम मेरे को लगेगा। और भाई इंटरलेकिन आपको बिल्कुल स्टेशन के सामने मिल जाती है ये नदी, और ऊपर आपको मिल जाएंगे भाई पतंग। पेरिस के बाद यहाँ जाके मेरे को फील सी थोड़ी सी आने लगी है कि इट्स गोना बी अ गुड टाइम, अब वॉक करता हूँ और पीछे जो रास्ता है वहाँ चलना है। कैसे चलना है भैया, दोनों बैग वतीस को लेके
बट एक हाथ में एक बैग लूंगा, एक हाथ में दूसरा। और भाई ये है इनकी कूड़े वाला, आया जरा कूड़ा निकाल, वो वाली गाड़ी है। ऐसे ऐसे रास्तों से जाना पड़ रहा है भाई होटल के लिए। और भाई मेरे एजेंट ने कहा था कि वॉकिंग डिस्टेंस है तो वॉक करके जाना, यहाँ पे लोग ट्रांसपोर्ट वगैरह कम यूज़ करते हैं, ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, ज़्यादा पसीना तो आ लिया, बट थोड़ा सा अच्छा ये है कि पॉइंट बढ़िया है, मौसम बढ़िया है। ठीक है समरिया। प्रिया भाई देख लो स्विट्जरलैंड की गाय, ये पूरे खुले में हंडेंगी। पर अभी मेरे को भाई सूटकेस लेके और जाना है। A few moments later. भाई चलना पड़ रहा है इन रास्तों पे, पर ये है आसपास की जगह। Two thousand years later. बहुत ज्यादा चलने के बाद भाई हमारा होटल बैरन आ गया है। सो गाइस फाइनली पहुंच गए भाई होटल, और यहाँ भी एलिवेटर नहीं थी भाई। हेलो, दिस इज द रूम। बस हवा निकल गई। तो भाई ये है बेड और ये है वॉशरूम। तो गाइस अभी अपने होटल में चेक इन मैंने कर लिया था, और अब मैं निकला हूँ भाई कुछ खाने पीने, क्योंकि सुबह ही मैंने बस खाया पिया था। और जहाँ मैं हूँ अभी उस जगह का नाम है विंटर्सवेल, और ये भाई एक स्विट्ज़रलैंड का बहुत प्यारा सा गांव है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, बट मेरे हिसाब से भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। पेरिस के मुकाबले यहाँ पे भाई मौसम ज़्यादा बढ़िया है, पेरिस में ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पे अभी आपको मैं जब स्टेशन से मेरे को होटल में जाना था तो लगेज था मेरे पास, दो दो बैग थे और एक कमर पे बैग था, तो उसकी वजह से भाई मेरे को काफ़ी पसीना वगैरह आ रहा था। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भाई कैसे ट्रैवल कर रहे हैं पूरी फैमिली, छोटे बच्चे छोटी साइकिल, बड़े बच्चे बड़ी साइकिल, और जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है उसके लिए भाई साइकिल के पीछे एक ट्रॉली टाइप लगा लेते हैं और उसमें वो बच्चा उनके साथ रहता है। तो अभी भाई कुछ खाना पीना था तो उसके लिए भी मेरे को स्टेशन के पास जाना पड़ेगा, साइकिल रेंट के लिए पता करना था उसके लिए भी मेरे को स्टेशन के पास जाना पड़ेगा, और एक दो जगह हैं जहाँ मैं घूमना चाहता हूँ उसके लिए भी स्टेशन के पास जाना पड़ेगा। ये है भाई आपके कुछ सीनिक ब्यूटी। ये जो भाई लैंड होते हैं, अब देखो ये है फार्मिंग वाले बंदे और ये उनकी लैंड है, और यहीं पे भाई ये अपनी सारी चीज़ें रखते हैं, जो ग्रासेस में इनका जो कैटल वेटल होती है, ये इनका पूरा भाई स्टोर हाउस है, लकड़ियाँ वगैरह ये काट के रखते हैं अपने विंटर्स के लिए, और ये जो सारा ग्रेजिंग लैंड है। सो गाइस चल रहा हूँ इन हसीन वादियों में, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है भाई आज नेचर के साथ, जिस तरीके की हवा है इतनी फ्रेश, आई डोंट इवन रिमेम्बर मैंने इंडिया के पहाड़ों में भी ली है, मतलब बहुत ज़्यादा प्योर हवा लग रही है यहाँ पे भाई। बस इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा मज़ा है, आप नेचर के बीच होते हो इसीलिए भाई ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है। स्विट्ज़रलैंड इज़ ऑल अबाउट भाई नज़ारे वज़ारे, देखिए ये है मेरे सामने का नज़ारा।
गाइस एक जो बहुत प्यारी बात लगी मेरे को, देखो ये है आपकी क्रॉस करने के लिए। और अभी भाई जैसे ही मैं यहाँ पे आके खड़ा हुआ क्रॉस करने के लिए, तो सभी गाड़ियों वाले रुक गए। कोई लाइट नहीं थी यहाँ पे कि भाई जेब्रा क्रॉसिंग है या क्या है, बट सभी रुक गए और मेरे को इशारा किया कि आप जाइए पहले। और वहीं भाई हमारे इंडिया में आपको पता है कैसे होता है, कोई क्रॉस भी कर रहा है तो उसके ऊपर चढ़ाने के हो जाते, सब इतनी जल्दी में रहते हैं। यहाँ कोई जल्दी में नहीं है, यहाँ आपको वैल्यू दी जाती है अगर आप पैदल भी चल रहे हैं। मैं अभी आ रहा था तो मेरे को किसी ने पूछा कि वे यू गोइंग, मैंने कहा नियर बाई स्टेशन, बोल आई विल ड्रॉप यू, यू आर वॉकिंग ऑन फुट, आई कैन ड्रॉप यू। तो मैंने उसको कहा नहीं नहीं इट्स ओके, और इंसान बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और भाई इस तरीके से आपको फिलिंग स्टेशन मिल जाएंगे जहाँ पे आप तेल वगैरह अपनी गाड़ियों में भर सकते हैं। A few moments later. So guys, अभी जो मैं आपको फिलिंग स्टेशन दिखा रहा था उसके पास में थी भाई एक ग्रोसरी शॉप, वहाँ से मैंने ली है आइसक्रीम और जूस। जूस मेरी कार्गो में है और आइसक्रीम मैं खा रहा हूँ। और गाइस यही है वो इंटरलेकिन वेस्ट का स्टेशन जहाँ पे मैं मॉर्निंग में आया था, और उसके जस्ट पास में है एक नदी। और सारी चीज़ें भाई मोस्टली ना स्टेशन के पास में ही है, तो यहीं कुछ खाएंगे पियेंगे पहले, फिर उसके बाद में आसपास में एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे ही गाइस आप स्टोर के बाहर स्टेशन के बाहर आएंगे, आपको इस तरीके की मार्केट मिल जाएगी। तो गाइस मेरे पीछे है इंटरलाकन वेस्ट का स्टेशन, और बिल्कुल सामने एक रोड जा रहा है, वहाँ है यश चोपड़ा जी का स्टैचू। और मैं भाग के एक बार चेंज कर लेता हूँ क्योंकि रुक भी जाते हैं लोग वैसे तो यहाँ, और वही हुआ मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो रुक गए थे लोग। और अब चलते हैं भाई, यश चोपड़ा जी का स्विट्ज़रलैंड में इंटरलाकन में स्टैचू बनाया हुआ है। सो गाइस ये कुछ है सामने वाले रोड की मार्केट, और ये है भाई व्लॉगिंग, इनकी भी चल रही है हमारी भी चल रही है। और यहाँ पे भाई आपको सोवेनियर्स मिल जाएंगे, स्विस के सोवेनियर्स। और ये भाई काउ बेल होती है जिसको घर के बाहर लगाना बड़ा लकी मानते हैं, अलग अलग साइज़ में आपको मिल जाएगी। ये आपको भाई दिख जाएगा पीछे एक पूरा पार्क, और इस पार्क में लोग भी लैंड कर रहे हैं जो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। और जस्ट ये पास में ही है जहाँ अभी हम जा रहे हैं, इट्स अ गुड पार्क, इट्स अ गुड व्यू, पीपल आर प्लेइंग फुटबॉल हियर। सो गाइस अभी अभी क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि मैं जब होटल जा रहा था तब कोई रुका और उसने मुझे लिफ्ट के लिए ऑफ़र किया था कि मैं तुझे छोड़ देता हूँ, तो आई जस्ट सेड कि नो इट्स फाइन। वो बंदा भाई मुझे अभी दोबारा मिला और घूमते घूमते तो बातचीत हुई, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो इंडियन। और यहाँ पे भी आपको भाई बहुत सारे इंडियन मिलेंगे, बहुत सारे इंडियन हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ कि उस बंदे ने भाई मुझे बोला कि व्हाट आर यू डूइंग, ये वो क्या करते हो, मैंने बताया कि ब्लॉगिंग के लिए, तो ही ऑफर्ड कि आई टेक यू टू प्लेसेस जहाँ पे यू कैन डू अमेजिंग ब्लॉगिंग ये वो। मैं भाई एकदम से बहुत एक्साइटेड हो गया बिकॉज मुझे वो चीज़ बोली गई जो मैं सुनना चाहता था। तो थोड़ी देर बाद ही सेड कि व्हेन इफ़ यू वांट वी कैन गो, पहले तो मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है आई विल गो। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर मन में ऐसे ही ना डाउट हुआ कि यार कभी कुछ गड़बड़ ना हो, बिकॉज़ वी नीड टू बी डबल श्योर क्योंकि हम दूसरी कंट्री में हैं।
तो वही मैंने बट उनकी बात नहीं मानी और ऐसे ही आया कि यार आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ और इस टाइप में, और फिर मैंने कहा कोई नहीं, आई विल टेक योर नंबर और हम कल का प्लान कर सकते हैं। देन ही सेड कि कल मेरे को जेनीवा जाना है एंड थिंग्स लाइक दिस। तो मैंने कहा कि ठीक है, और तो उन्होंने मेरा नंबर ना लेके बोला कि वो मैं व्हाट्सएप करता हूँ तुम्हारे नंबर पे। थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा मेरे को। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ओके आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई ब्लॉग टूडे बिकॉज आप इतने अच्छे हो, आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नो 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 आई एम अवे फ्रॉम सोशल लाइफ, और पिछले 25 साल से वो कह रहे थे कि वो आउट ऑफ इंडिया हैं, बाकी उन्होंने सारा टाइम भाई अपना दिल्ली में बिताया है और यहाँ बिजनेस विजनेस करते हैं ये वो। तो मुझे लगा कि यार बात इतनी हो रही है, और बंदे के भाई कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, छोटे छोटे होल से, तो मैं थोड़ा सा जज करने पे मजबूर हुआ। A few moments later, as here you will find the statue, और वहाँ से आप भाई आए हैं बहुत अच्छे गार्डन में, और यहाँ पे आपको इंडियन सी मिलेंगे फ़ोटो क्लिक कराते हुए। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि ही इज़ एन इंडियन और इंडियन ही जानते हैं भाई उनकी वैल्यू क्या है। सो हियर इज़ द स्टैचू। हाँ भाई, आपको कैसीनो भी मिल जाएगा, वहाँ भी कुछ भीड़ लगी हुई है, वहाँ भी चलेंगे, बट एक अच्छा गार्डन है। और यहाँ पे यश चोपड़ा जी हैं, यश चोपड़ा जी का स्टैचू भाई यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि DDLJ की शूटिंग कुछ पार्ट्स यहाँ हुई थी। तो एक ऐतिहासिक फिल्म है और वो डायरेक्ट की थी यश चोपड़ा जी ने। तो इंटरलेकिन में हमारे इंडियन यश चोपड़ा जी का भी एक स्टैचू है विद दिस कैमरा, बिकॉज इट सिग्निफाइज, वो दर्शाता है कि वो जिस फील्ड से थे उसकी वजह से उनका नाम हुआ और उनका स्टैचू बना है। ये रहा, अब मैं भी भाई फ़ोटो क्लिक कर रहता हूँ इसके साथ। सो गाइस, यहाँ आपको देखने को मिलेगी एक लाइव घड़ी चलती हुई, वो आर का हैंड है, ये मिनट का हैंड है, वो सेकंड का हैंड है, कितनी क्यूट सी चीज़ है। सो गाइस, अब आपको लेके चलते हैं, कोई लाइव म्यूज़िक हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे चलिए। As you can see, people here enjoying the music. और भाई इस पर्टिकुलर जगह पे आपको भर भर के इंडियंस मिलेंगे, भर भर के। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, आप कहेंगे मैं ट्विस्ट भी कर दूंगा। देखिए ये इंडियन, इनके आगे पूरी फैमिली इंडियन, आगे सब इंडियन 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 इंडियन। So guys, now I'm moving back towards my hotel, और समय हो गया भाई लगभग 8 बजे का यहाँ के हिसाब से। और यश चोपड़ा जी को बोला जाता है ब्रांड एम्बेसडर, आई मीन एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकिन, क्योंकि इन्होंने भाई उस टाइम पे इंटरलेकिन को एक्सप्लोर किया था जब इतने लोग जानते नहीं थे, अब बहुत लोग जानते हैं। हालांकि स्विस का ये वो पार्ट है, स्विट्ज़रलैंड का ये वो पार्ट है जो अभी इतना क्राउडेड नहीं हुआ है और जो सिनिक ब्यूटी से भरा हुआ है। आपको पीस चाहिए, आपको, आप अगर नेचर लवर हो तो आप भाई यहाँ बिल्कुल आओ, 100% रिकमेंडेड है। अभी तो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, तब मैं इतना बड़ा फ़ैन हो गया हूँ इस जगह का। सो गाइस, अभी मेरे पीछे रिवाइव गैलेटो शॉप और वहाँ से मैंने ले लिया है मिक्स ऑफ टू फ्लेवर्स गैलेटो। और सारी सारी कहती होगी अभी गैलेटो खाएंगे। गैलेटो भाई बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम होती है, तो पहले ये बैठ के आराम से खा लेता हूँ। डिनर अभी तक भी नहीं गया भाई, डिनर ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी नहीं गया, इन्हीं चीज़ों पे जिंदा हूँ आज। मीनवाइल सो गाइस, गैलेटो हम खाएंगे यहाँ बैठ के, और ये सामने भाई ये सारे सीन देखते हुए, लैंडिंग्स देखते हुए, पार्क के बिल्कुल सामने।
2000 years later. भाई गलेटो खा ली, अब सोच रहा हूँ कुछ इंडियन फूड खाने की, क्योंकि यहाँ भाई ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज में आपको नॉन वेजिटेरियन मिलेगा, और नॉन वेजिटेरियन में जहाँ वेज ढूंढेंगे वो आपको बहुत ही बेस्वाद मिलेगा। तो द पॉइंट इज कि इंडियन रेस्टोरेंट मेरे को दिखा था रास्ते में, अब मैं वापस जाते हुए भाई इंडियन फूड ही खाने का प्रेफर करूँगा। और ये है लैम्बोर्गिनी उरुस, लैम्बोर्गिनी उरुस। Meanwhile, so guys, अब थोड़ी बहुत बात करते हैं भाई, क्या पैसे लग रहे हैं, क्या कुछ प्राइसेस हैं यहाँ पे खाने पीने पे। तो जो स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है वो CHF, और जो एक CHF है वो हमारे 96.96 रुपीस के बराबर है। अब जैसे मैंने गैलेटो खाई थी तो उसका प्राइस था 6 समथिंग, तो 600 रुपये कुछ की आइसक्रीम थी वो हमारे यहाँ के हिसाब से लगता है। Guys, I just realized one thing कि जो मेरा होटल है, होटल वालों ने मेरे को एक कार्ड दिया है, और उस कार्ड से आई कैन फ्रीली ट्रेवल ट्रेन और बस के लिए। हालांकि मेरे पास स्विस पास भी है जो मैं इंडिया से बनवा के आया था। स्विस पास भाई बहुत ज़्यादा कंपलसरी है अगर आप स्विट्ज़रलैंड में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो यू शुड हैव योर स्विस पास। उससे आपकी जो कम्यूट करने की पावर वो बढ़ जाती है। आप कहीं पे भी कम्यूट करेंगे, आपके पास आपका कोई रेंट किराया कुछ, मतलब आपसे कोई किराया नहीं लेगा किसी भी चीज़ के लिए। और अभी स्टेशन के पास से भाई बस जाती है, तो बस मिली है 105 नंबर की बस है इंटरलेकन वेस्ट से, मेरे होटल के जस्ट सामने मेरे को ड्रॉप करेगी और मेरा कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। तो इट्स अ बिग रिलीफ, मेरे को रात को 10 बजे के आसपास पैदल नहीं जाना पड़ेगा। सो गाइस, हमारा आ गया है भाई इंडियन फूड, जिसमें मैंने मंगाई राइस, राजमा और ये सैलड, और अभी भाई इसको खा लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो भाई इस ट्रिप का पहला इंडियन फूड ये रहा, देख लो। 2000 years later. Guys, I got the best food at Indian Gourmet Taste of India and Arabic Food, and the owner was also very friendly and very gentle guy. तो भाई अगर आप लोग इंटरलेकन आ रहे हैं और आप भी मेरी की तरह इंडियन फूड मिस कर रहे हैं, तो बेझिझक आप यहाँ आ जाइए। ये है आपका बिल्कुल जो आपका स्टेशन है इंटरलेकन वेस्ट का, उसके बिल्कुल पास में है। और भाई बहुत बढ़िया फूड था, राजमा, राइस और सैलड मैंने खाया। 100% इंडियन टेस्ट नहीं था, बट हाँ 85-90% इंडियन टेस्ट आया था। सो गाइस, इसी के साथ भाई मैंने स्विट्ज़रलैंड में स्विट्ज़रलैंड का रेनी वेदर भी एंजॉय कर ही लिया, और वैसे बहुत बारीक बारीक हो रही है। बताया गया है कल यहाँ पर स्टॉर्म थी, तो एक्चुअल में मैं क्या इंजॉय कर रहा हूँ, वो मैं इंजॉय कर रहा हूँ भाई बस घूमना यहाँ पर, इट्स अल्टीमेट कुछ भी। गाइस, बारिश थोड़ी सी बढ़ गई है, तो जल्दी अब होटल निकलते हैं, मेरी बस का भी टाइम हो गया भाई, और होटल जाएंगे, खाना जाके ब्लॉग ख़त्म करेंगे, क्योंकि होटल अब तक लॉक हो गया होगा। क्योंकि यहाँ पे भाई क्या होता है, जब उनके वर्कर वगैरह स्टाफ चला जाता है तो होटल को बंद कर देते हैं और आपको एक कोड देते हैं, अगर आपको एंटर करना है तो आप उस कोड को गेट पे लगाइए और अपने रूम में चले जाइए। चलो बस का वेट करते हैं भाई चल के। वहाँ है भाई मेरी बस, समय हो गया 9:40 का, और देखो बारिश कितनी तेज आ रही है। A few moments later. So guys, finally भाई बारिश से बच के पहुंच गया हूँ मैं अपने होटल में। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।